मासूम से शक्ल वाले हिरॉन बेहद ही दिलचस्प जानवर हैं, जो पानी में चलते हुए अपने लिए शिकार का चुनाव करते हैं और चोंच की मदद से उसे एक ही बार में मुंह में रख लेते हैं। हिरॉन्स की खासियत होती है कि ये जिस भी जानवर को नोटिस करते हैं उनसे भिड़ने की कोशिश जरूर करते हैं। हिम्मती स्वभाव के चलते अक्सर इन्हें सांप से लेकर मगरमच्छ से भी उलझते हुए देखा जाता है। इसे देखकर भले ही नहीं लगता कि ये पक्षी ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन आज की रोमांचक बैटल ऑफ इसकी एक नई साइड को आपके सामने खोल कर रख देगी। इस वीडियो में आप हिरॉन को सांप से लड़ता हुआ पाएंगे। मौका मिलने पर ये चूहे को डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हिरॉन के क्रेजी बैटल ऑफ को, हिरॉन वर्सेस गोफर्स। आज की वीडियो का आगाज फ्रांसिस्को के गोल्डन पार्क गेट से करते हैं, जहां हिरॉन अक्सर शिकार करते हुए पाई जाती हैं। ये चालाक शिकारी स्प्रिंग सीजन के आते ही इस पार्क के आसपास अपना डेरा जमा लेती हैं। वो जानती है कि इस सीजन में ग्रोफर्स अपने चिक्स के साथ पार्क में घूमती हैं और उन्हें वहां खाना फीड कराती हैं। ऐसे में घास में छिपकर हिरॉन दबे पांव से बेबीज की तरफ बढ़ती हैं। वो उन पर नजर रखती हैं और सही मौका लगने पर एक लाइटिंग स्ट्राइक से अटैक करती हैं। अपनी चोंच से केवल एक अटैक में ये गोफर्स को पकड़ लेती हैं। ये क्लिप्स हमें साफ साफ दिखाती हैं कि हिरॉन की बीक उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। अपने शार्प बीक के चलते ही ये अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को पछाड़ देते हैं। फिर चिक्स का शिकार करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक ही बारी में उसे निगल लेती हैं। हिरॉन अपने शिकार में इसलिए भी सफल रहती हैं क्योंकि इनके सेंसेस परफेक्ट होते हैं। सुनने और वाइब्रेशंस को फील करते हुए ये अपने टारगेट के मेन पॉइंट पर फोकस करती हैं और जैसे ही शिकार अपने होल से बाहर आता है ये उसे सीधे बीक में दबा लेती हैं। गोफर्स के केस में भी हमें यही देखने को मिलता है और बाकी जानवरों के साथ भी ये इसी फीचर का इस्तेमाल करती हैं। चलिए इसका लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, हिरॉन वर्सेस रैबिट। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिरॉन घोंसले या बिल से अपने शिकार को चोंच में पकड़ती है, इस क्लिप में भी खरगोश के साथ भी वही रणनीति अपनाती है। ये चालबाज शिकारी जानबूझकर बिल के सामने खड़ी रहती है और जैसे ही खरगोश बिल से बाहर आता है ये एक ही सेकंड में उसे अपनी चोंच में फंसा लेती है। केवल एक सेकंड के लिए भी ये अपने हमले से मिस नहीं होती। इससे पता चलता है कि इनका फोकस कितना खतरनाक है। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े शिकार को भी ये कितने चाव से निगल जाती है और डकार भी नहीं लेती। हिरॉन वर्सेस क्रोकोडाइल। अब जरा इस क्लिप को देखिए जो साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में हिरॉन ने अपनी बीक में एक मगरमच्छ के बेबी को कैरी किया हुआ है। सुनने में ये काफी शॉकिंग लगता है क्योंकि मगरमच्छ जैसे शिकारी बेबी को पकड़ना काफी बहादुरी का काम है। शुक्र है कि इसका पाला मदर क्रोकोडाइल से नहीं पड़ा, वरना इस हिमाकत के लिए हिरॉन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। आप देख सकते हैं कि ये पक्षी कैसे इस बेबी को सॉलो करने की कोशिश करती है। हालांकि बेबी खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारता है, लेकिन ये जालिम शिकारी उसे जिंदा निगल जाती है। कितनी अजीब बात है ना कि ये पक्षी मगरमच्छ के बेबीज को अटैक करती है और ऐसा करने में इसे जरा भी डर नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ छोटे क्रोकोडाइल पर अपना जोर आजमाती है तो जरा इस बैटल ऑफ का लुत्फ उठाइए, जहां ये बड़े क्रोकोडाइल बेबी को अटैक करती है। इसे पकड़ने के लिए दोबारा ये अपने बीक का सहारा लेती है। हम कह सकते हैं कि हिरॉन को साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए बस शिकार मैटर करता है, जिसे ये बड़े प्यार से निगल जाती है। हिरॉन वर्सेस डग। हिरॉन केवल लैंड मैमल्स और रेप्टाइल्स को ही अपना शिकार नहीं बनाती, बल्कि बर्ड्स भी इनकी डाइट का मुख्य हिस्सा होती हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां ये पक्षी धीरे धीरे रिजर्वियर की तरफ बढ़ती है। दरअसल तालाब में मर्डर डक अपने चिकन्स के साथ तैरने का मजा ले रही है, तभी हिरॉन की नज़र इस हंसते खेलते परिवार पर पड़ जाती है। ये बेबीज को खाने के मनसूबे से धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। हिरॉन को लगता है कि वो चिकन्स को आराम से खा सकती है, लेकिन अपने बच्चे की तरफ खतरा आते देख मजेदार डक सकते में आ जाती है और हिरॉन को अच्छा सबक सिखाती है। डक के हमले से परेशान हिरॉन को पीछे हटना पड़ता है। ऐसे ही एक और बैटल ऑफ दिखाते हैं जहां वो सबके होश उड़ा देती है। इस क्लिप में हिरॉन तालाब में जाकर डक के बेबीज पर धावा बोलती है और हैरानी की बात है कि माँ अपने बच्चों को बचाने की बजाय चुपचाप साइड हो जाती है। अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए हिरॉन बड़े ही मजे से चिकन्स को निगल लेती है। एक के बाद एक वो उसके पूरे परिवार को खा जाती है और ये माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती। इस तरह के पेरेंट्स के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ऐसे माँ बाप से तो अकेले रहना अच्छा है। क्रेन वर्सेस बियर। अगली क्लिप जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक चिड़ियाघर की है। इस वीडियो को हम बैटल ऑफ कहने के बजाय एक फनी मोमेंट कहेंगे, जिसमें क्रेन और बियर के बीच नोकझोंक हुई है।
अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां भालू क्रेन के परिवार के पास चले जाते हैं। अपने टेरिटरी में इतने बड़े शिकारी को देख ये पक्षी हमले के मूड में आ जाती है, और इससे पहले कि भालू एक्शन दिखाए, ये पहले ही प्रोटेक्टिव मदर अटैक करना शुरू कर देती है। क्रेन अपने पंख फैलाकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भालू ही पीछे हट जाता है। क्रेन तब तक भालू का पीछा करती है जब तक कि वो इसकी टेरिटरी से बाहर नहीं चला जाता। दोस्तों, इससे पता चलता है कि गुस्सैल माँ से भिड़ने की कोशिश बड़े प्रीडेटर भी नहीं करते हैं। हेरॉन वर्सेस फिशेस। फिश हंटिंग हमेशा से हेरोइन की डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। शैलो वाटर में इन्हें अपने लिए मछली पकड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें हेरोइन नदी से मछली पकड़ने की बजाय पास मौजूद पॉन्ड का सहारा लेती है और वहां तैर रही गोल्डन ट्रॉट को शिकार बना लेती है। ऐसा करने में उसे केवल एक सेकेंड लगता है और फिशेस को इस हमले से बचने का कोई मौका नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि वो कैसे मछली को बीक से मार देती है, फिर ज़मीन रखने के कुछ देर बाद उसे निगल जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी मछली खाने के बाद भी इसका जी नहीं भरता और वह बाकी गोल्डन ट्रॉट को भी एक एक करके निगलना शुरू कर देती है। अपने दूसरे हमले में वो और भी बड़ी फिश को चोंच में दबा कर निगल लेती है। एक ही दिन में वो 3 बड़ी मछलियों को अपना शिकार बना लेती है। हेरॉन हंट स्नेक्स। सुनकर हैरानी होती है कि सांप जैसे तेज और जहरीले जीव भी हेरॉन से मात खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्नेक्स हेरॉन की डाइट के सबसे पसंदीदा शिकारी में से एक हैं, जिन्हें वो एक बार में पूरा निगल जाते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहाँ ग्रे हेरॉन दबे पांव सांप के बच्चे की तरफ बढ़ती है और उसे अपनी चोंच में दबा लेती है। एक बार सांप को दबोच कर ये उसे अपनी शार्प बीक से घायल करती है और फिर उसे निगल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद हेरॉन सांप के दूसरे बेबी को भी इसी रणनीति से अपनी चोंच में फंसा लेती है। बेबी खुद को बचाने की कोशिश तक नहीं कर पाता। अब जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वहाँ हेरॉन शिकार पकड़ने की कोशिश में सांप से भिड़ जाती है। दरअसल वो एक फिश को चोंच में फंसाती है, जिसे सांप पहले ही अपने शिकार बना रहा है। ऐसे में सांप को हेरॉन के आगे झुकना पड़ता है और अपने पसंदीदा डिलीशियस लंच को ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन दिलचस्प बात है कि इस लड़ाई में फिश को भागने का मौका मिल जाता है। अब ना तो हेरॉन उसे खा पाती है और ना ही सांप को ये शिकार मिल पाता है। सांप और हेरॉन के बीच का रिश्ता दुश्मनी का है। सांप कभी भी हेरॉन से उलझने के मूड में नहीं रहते, लेकिन ये पक्षी उन्हें खाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां मौका मिलते ही हेरॉन सांप को बड़े आराम से पानी से निकाल लेती है और नदी किनारे उसे दर्दनाक मौत देकर अपना शिकार बना लेती है। इसके अलावा अब बात करते हैं गोलियात की, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेरॉन है। अब जाहिर सी बात है कि बड़ा होने के नाते उसकी डाइट भी काफ़ी बड़ी है, इसलिए ये पक्षी केवल बड़ी मछली, फ्रॉग, लिजर्ड्स और सांप को अपनी डाइट में शामिल करती हैं और उनका ही शिकार करती हैं। इसकी खासियत है कि जैसे ही इसकी नज़र शिकार पर पड़ती है, ये इंतज़ार करने की बजाय तुरंत हमला करती हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मछली को होल से बाहर निकालती है और उसे जिंदा निगल जाती है। ऐसा करने में इसे 20 मिनट का टाइम लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रोमांचक बैटल ऑफ, जो हमें हेरॉन की बहादुरी के किस्से बताती हैं और ये भी दिखाती हैं कि इस पक्षी को किसी का खौफ नहीं होता। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपको किस जीव पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।